नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं कनाडा प्रीमियर लीग में क्रिस गेल के धमाके के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो क्रिस गेल कितने बढ़िया बैट्समैन है ये सब तो हम सभी जानते हैं, और उनकी ज़बरदस्त बैटिंग के चर्चे पूरे विश्व में है, और अभी वे 39 ईयर्स के हो चुके हैं और हाल ही में संन्यास भी लगभग लेने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में संन्यास ले जब उससे यह पूछा जाए कि क्यों, ना कि ये कि कब। और क्रिस गेल के साथ भी यही सिचुएशन है कि उनसे लोग संन्यास के वक्त ये पूछेंगे कि आप आखिर संन्यास क्यों ले रहे हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत की वजह से ही हो पा रहा है। तो अब बात करते हैं कि कनाडा प्रीमियर लीग के 8वें मैच में उन्होंने क्या जलवा बिखेरा है। तो इतने शानदार और जबरदस्त पारी उन्होंने खेली है। उन्होंने मात्र 54 बॉलों में 12 छक्के और 7 चौकों की मदद से 225 की स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए। इतना शानदार स्कोर खड़ा किया, और इसी के साथ उनकी टीम ने 20 ओवर के मैच में 276 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिए, जो कि एक बेहतरीन टारगेट है सामने वाली टीम के लिए। और इसकी वजह से अब अगर ये मैच पूरा हो पाता तो उन्हें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी मिलते। लेकिन इतना बुरा उनके साथ क्या हुआ इस बारे में बात करें तो यह मैच खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया, और जो कि पॉइंट्स है वो दोनों टीमों के बीच बराबर बढ़ गया। अगर ये मैच वे जीत जाते तो पूरे के पूरे 2 पॉइंट उन्हें मिलते, लेकिन चूंकि ये मैच रद्द हो चुका है तो दोनों टीमों को बराबर बराबर 1 पॉइंट मिला है, तो इसकी वजह से उन्हें आगे जाने पर नुकसान हो सकता है। तो शायद यहाँ पर वे ये दोनों पॉइंट अपने खाते में कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्रिस गेल की ये पारी कैसी लगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.